एक रहस्यमय झूलता हुआ बगीचा। माना जाता है कि बेबीलोन हैंगिंग गार्डन बेबीलोन नामक प्राचीन शहर में बनाया गया था, लेकिन इस बात के कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। यह गार्डन दुनिया के पुराने 7 अजूबों में से एक है। वास्तव में यह गार्डन झूलता नहीं है, बल्कि इसे छत के ऊपर बनाया गया था, जिसे जमीन पर ना उगाकर छत पर उगाया गया था। हैंगिंग गार्डन प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जो शायद अब नहीं है। कई प्राचीन रोमन और ग्रीक लेखकों ने बगीचे के बारे में लिखा था। वे सभी इस बात पर सहमत नहीं थे कि वे क्यों बनाए गए थे या वे किसके लिए बनाए गए थे। लेकिन कहा जाता है कि इन बागों को राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए बनवाया था। यदि बगीचे वास्तव में मौजूद होते तो पौधों को पानी रखने के लिए हर दिन 8,200 गैलन पानी की आवश्यकता होती। इन उद्यानों की ऊंचाई लगभग 75 फीट मानी जाती है। यहाँ पानी पहुँचाने के लिए मानव निर्मित जल सिंचाई का प्रयोग होता था। इसके ऊपर कई मिट्टी के घड़े बने हुए हैं, जो शायद पानी को बगीचे तक ले जाने में मदद करते थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बगीचा वास्तव में अस्तित्व में था, लेकिन समय और युद्ध और कटाव के कारण नष्ट हो गए, और कुछ का कहना है कि भूकंप के कारण नष्ट हो गए। तो ये थी एक रहस्य में झूलते हुए बगीचे की कहानी।